नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारा शहर में। मैं आपके साथ खुशबू खान, और शुरुआत करते बुलेटिन की इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। प्रदेश के इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है जिससे हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं। पेपर लीक प्रकरण में राजस्थान पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। रीट और एसआई भर्ती परीक्षा 2021 पेपर लीक प्रकरण में सफलता मिली। प्रकरण में फरार चल रहे तीन छात्र इनामी गिरफ्तार। 75,000 रुपए के इनामी ओम प्रकाश ठाका, 50,000 रुपए के इनामी सम्मी उर्फ छम्मी विश्नोई को गिरफ्तार किया। वहीं 25,000 रुपए के इनामी सुनील बेनीवाल को भी गिरफ्तार किया। ओम प्रकाश लीक पेपर को बेचने के लिए मोटी रकम बटोर कर लाया था। वहीं सरकारी शिक्षिका सम्मी उर्फ छम्मी नकल कराने के लिए कुख्यात गिरफ्तार थानेदार मंजू को सम्मी ने पढ़ाया लीक पेपर। सुनील बेनीवाल है यूनिक भामू का हैंडलर। गिरफ्तार थानेदार राजेश्वरी को उपलब्ध कराया था लीक पेपर। एसओजी को थी तीनों इनामी बदमाशों की काफी लंबे समय से तलाश। एसओजी मुख्यालय में कल की जाएगी बड़ी प्रेस वार्ता। और इस खबर पर विस्तार से जानकारी के लिए विनय पंत मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं, और ब्यूरो चीफ शशि मोहन शर्मा भी। शशि, हम बात कर रहे थे इस पर कि एसओजी को एक बड़ी लीड, बड़ी कामयाबी मिली है, इसको लेकर कल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी, लेकिन कई सारे खुलासे होने की भी एक उम्मीद जाग गई है। इंसाफ की तरफ एक और बड़ा कदम। बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि है खुशबू ये एसओजी की। दरअसल मुख्यमंत्री ने जब से सत्ता में आने के बाद में एसओजी को एसआईटी बना करके पेपर लीक मामले पर काम करने के लिए कहा, टास्क दिया, उसके बाद में ये सबसे बड़ी गिरफ्तारी मानी जा सकती है। हालांकि सब इंस्पेक्टर का जो पेपर लीक प्रकरण था उसमें भी एसओजी ने काबिले तारीफ काम किया, लेकिन अभी ये जो गिरफ्तारी हुई है इसमें दो मामले बनते हैं। एक एसआई भर्ती परीक्षा 2021 का पेपर लीक मामला, और एक रीट भर्ती परीक्षा, रीट की जो एलिजिबिलिटी परीक्षा होती है, भर्ती कम एलिजिबिलिटी के रूप में वो होती है, उसकी परीक्षा। तो ये दोनों ही परीक्षाओं के मामले में ओम प्रकाश ढाका मास्टरमाइंड माना जा रहा था, मोस्ट वांटेड आरोपी था। जिस तरीके से एसओजी ने इन पर इनाम घोषित कर रखा था, सुनील बेनीवाल पर 25,000, सम्मी विश्नोई पर 50,000 और ओम प्रकाश ढाका पर 75,000, उससे इनकी हार्डकोरनेस और इनके अपराध की गंभीरता पता चल सकती है। क्योंकि आप देखिए, पुलिस में जो इनाम दिया जाता है कई बार, हालांकि बहुत पुराने समय की प्रथाएं ये प्रचलित हो गई है, तो 100 रुपए के इनाम को भी बहुत बड़ा सम्मान के रूप में देखा जाता है, कि उसमें राशि नहीं बल्कि सम्मान की बात होती है। और यहाँ पर भी यही बात है कि इसमें राशि नहीं, अपराध की गंभीरता पता चलती है, और ये अपराध की गंभीरता उन युवाओं के प्रति, उन बेरोजगार युवाओं के प्रति जो अपनी नौकरी चाहते थे, अपने लिए अपना भविष्य देख रहे थे इन परीक्षाओं में, और उनको जब इस पेपर लीक जैसे हालात का सामना करना पड़ा। सवाल ये है कि कई युवाओं ने अपनी जान दे दी इन लोगों के चलते, पेपर लीक हुआ उसके चलते। जिन अभ्यर्थियों ने अपने माता पिता की मेहनत की कमाई कोचिंग में खर्च की, और वो कोचिंग वापस करने की स्थिति में थे, नहीं थे, इससे विचलित होकर उन लोगों ने आत्महत्या कर ली, क्या इन जैसे ओम प्रकाश ढाका जैसे लोगों पर हत्या के लिए उकसाने का, आत्महत्या के प्रयास के लिए उकसाने जैसे मामले दर्ज होंगे? क्या एसओजी इतनी सख्त कार्रवाई कर सकेगी? और हम फिर उस बात पर जाना चाहेंगे जो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से एसओजी मिली थी ओटीएस में, एसओजी की पीठ थपथपाई थी मुख्यमंत्री ने पूरी टीम की, तब हमने सवाल किया था एसओजी के एडीजी वीके सिंह से कि क्या कोर्ट में सब इंस्पेक्टर पेपर लीक मामले के सारे आरोपियों के ऊपर दोष साबित कर पाएगी एसओजी। तो उन्होंने कहा था कि वो कड़ी से कड़ी जोड़ेंगे, और इस कड़ी से कड़ी जोड़ने के लिए एसओजी मेहनत कर रही है। सारे सबूत, किस तरीके से फर्जी डमी कैंडिडेट बिठाए गए, किस तरीके से पैसा दिया गया, कब कब कहां किसकी मुलाकात हुई, कहां से पेपर लीक होकर के पहुंचा, ये सारी चीजें एसओजी ने अपनी तहरीर में, अपनी चार्जशीट में लिखी, और उनको समय समय पर जी राजस्थान ने दर्शकों के सामने दिखाया भी। लेकिन अब जब ये तीन आरोपी बड़े चेहरे गिरफ्तार हुए हैं, तो उम्मीद जगी है कि राज खुलेंगे और बड़ी मछलियों तक भी ये लोग पहुंचेंगे। जी बिल्कुल विनय, मैं आपका रुख करूंगी क्योंकि आप इस खबर को लगातार ग्राउंड पर कवर कर रहे हैं, बारीकी से इस खबर को देख रहे हैं, कैसे जांच चल रही है, किस तरह से इन आरोपियों तक शिकंजा कसा गया, क्या जानकारी इसको लेकर? जी खुशबू, वाकई देखिए, चाहे बात हम रीट पेपर लीक प्रकरण की करें या सब इंस्पेक्टर पेपर लीक प्रकरण की करें, इसमें तीनों किंग पिंग थे जो कि फरार चल रहे थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक बड़ी कार्रवाई की गई है। 75,000 रुपए का जो इनामी है ओम प्रकाश, इसके अलावा 50,000 रुपए की इनामी है सम्मी उर्फ छम्मी विश्नोई, और इसके साथ ही 25,000 रुपए का जो इनामी है सुनील बेनीवाल,
इन तीनों को आज गिरफ्तार किया गया है। और आज का जो दिन है वो वाकई राजस्थान पुलिस के लिए एक बड़ी कामयाबी का दिन है, क्योंकि लंबे समय से तीनों फरार चल रहे थे, तीनों पे इनाम की घोषणा की गई थी, काफी प्रयास किए जा रहे थे तीनों तक पहुंचने के, लेकिन पुलिस चाहकर भी इन तीनों का जो सुराग है वो नहीं जुटा पा रही थी। तो आज ये वाकई एक बड़ी उपलब्धि जो है राजस्थान पुलिस की मानी जाएगी। और अब ये मान के भी चला जा रहा है कि लाखों युवा जिनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ, क्योंकि कई पेपर लीक हुए और उस सभी पेपर लीक में कहीं ना कहीं इनका लिंक है वो सामने आया। और तीनों को जब कहां से तीनों को गिरफ्तार किया गया है, क्या जानकारी इसको लेकर? जी बिल्कुल खुशबू, देखिए जो गिरफ्तारी हुई है वो हैदराबाद और उसके आसपास के एरिया से करना सामने आया है। हालांकि इसका खुलासा कल एसओजी मुख्यालय में एक बड़ी प्रेस वार्ता करके किया जाएगा, लेकिन जिस तरह से पूरा मामला था, अगर यहाँ पे इनकी प्रोफाइल की बात करें तो ओम प्रकाश जो है वो किंगपिन है, वो ना केवल पेपर लीक में शामिल रहा बल्कि उसने यहाँ पे कई बड़े जो लोग थे उसने मेंबर जोड़े, उसने अपने गैंग को खड़ा किया, इसके साथ ही हैंडलर्स बनाए और उनसे पैसे लेके जो लीक पेपर था उसको अलग अलग जिलों में पहुंचाया। वहीं अगर हम बात करें यहाँ पे जो सम्मी विश्नोई, उस सम्मी है ये सरकारी शिक्षिका है और इन्होंने डमी कैंडिडेट बनके परीक्षा दी कई अभ्यर्थियों के स्थान पर, और इसके साथ ही इन्होंने कई जो अभी गिरफ्तार ट्रेनी एसआई हैं उनको भी ये जो लीक पेपर है वो पढ़ाया था। वहीं अगर हम बात करें सुनील विश्नोई की, जो कि 25,000 रुपए की इनामी है, उन्होंने भी इसी तरह से जो एक गिरफ्तार थानेदार है उसको लीक पेपर पढ़ाया था। और 10 बजे फिर फ्लाइट आ जाएगी समझो। और इसके साथ ही यहाँ पे जो ये हैंडलर्स भी हैं, जो यूनिक भांबू है उसके हैंडलर्स भी हैं ये, तो अब इन तीनों से जब पूछताछ होगी तो कई चौंकाने वाले और कई बड़े खुलासे होंगे। लेकिन वाकई में ये कहा जा सकता है कि राजस्थान पुलिस की एक बड़ी उपलब्धि, तीन इनामी बदमाश गिरफ्तार किए, अब इनसे पूछताछ होगी तो कई चौंकाने वाले और कई बड़े खुलासे होंगे। जी खुशबू, शशि मैं आपका रुख करूंगी, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, देखिए कि लगातार ये देखा गया है कि सत्ता पक्ष ये आरोप लगाता रहा है, ये बार बार कहता रहा है कि देखिए पूरी छूट दे रखी है एसओजी को और पुलिसकर्मियों को, जिस तरह से शिकंजा कसना है, कसे आरोपियों तक पहुंचे जिससे बड़ी मछलियों तक पहुंचा जा सके, और उन्होंने पिछले सरकार पर भी कई बार आरोप लगाए हैं कि पूर्ववर्ती सरकार में भी कई ऐसे जो हैं नेता जिनका शिकंजा कसा जा सकता है, तो क्या ये मान के चलें कि इससे जो है एक जो लीड मिली है, एक बड़ी कामयाबी मिली है, इसके बाद कई खुलासे होंगे और पिछली सरकार पर जो है गहलोत सरकार पर भी जो है कोई कार्यवाही हो सकती है अगर नाम सामने आते हैं तो? देखिए नाम सामने आएंगे तो कार्रवाई होगी, ऐसा मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहले कह चुके हैं। हमने मुख्यमंत्री से जब एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किया था तब हमने उनसे पूछा था, तो उन्होंने कहा था कोई भी हो, चाहे बड़ी मछली हो चाहे छोटी मछली हो, कोई भी बचेगा नहीं। अगर एसओजी की कड़ी में, एसओजी के द्वारा पकड़े गए किंग पिन में और जो पेपर लीक के मास्टरमाइंड है उनके बयानों में किसी का जिक्र आता है, उनसे किसी का लिंक एस्टेब्लिश होता है, तो बचेगा कोई नहीं, एक्शन सब पर होगा। एक्शन कितना गंभीर होगा ये एक बात है जिस पर नजर सबकी रहेगी। सवाल ये भी है कि क्या गोडवाड़ से जुड़े कुछ नेताओं के और उनके बच्चों के नाम इस पूरे मामले में आ रहे हैं, क्योंकि पहले भी गोडवाड़ से जुड़े नेताओं के नाम आए और मारवाड़ से जुड़े नेताओं के नाम आए, बाड़मेर से जुड़े नेताओं के नाम आए। आपको ध्यान होगा पीडब्ल्यूडी के एक डबल ए क्लास कॉन्ट्रैक्टर का नाम इसमें आया और उसके बाद में कुछ नेताओं के, नेता पुत्रों के नाम जुड़े, हालांकि कोई ठोस सबूत उनके खिलाफ नहीं मिल पाया। लेकिन अगर अब एसओजी ने जिन लोगों को पकड़ा है उनसे पूछताछ में कोई लिंक एस्टेब्लिश होता है तो सरकार ने फ्री हैंड दे रखा है कार्रवाई के लिए, एसओजी उन लोगों के नाम भी अपनी चार्जशीट में शामिल करेगी और आने वाले दिनों में उन्हें कोर्ट कचहरी में सवाल जवाब का भी सामना करना पड़ सकता है। तो पूरे मामले पर सरकार लगातार नजर बनाए हुए, सरकार ने फ्री हैंड दिया है, ये बात भी सही है कि पूर्ववर्ती सरकारों ने भी अपने अपने समय में अलग तरीके से फ्री हैंड दिया है, कौन सी टीम कितनी एक्शन ले पाई है, कितना कार्रवाई कर पाई है। आपने देखा किरोड़ी लाल मीणा जब विपक्ष में थे तब एसओजी दस्तावेज लेकर के गए, तत्कालीन एडीजी अशोक राठौड़ ने सुना, उनसे दस्तावेज लिए, बातचीत की, आगे उन दस्तावेजों के आधार पर भी कार्रवाई हुई, कुछ लोगों को पकड़ा गया। अब जिन लोगों को पकड़ा गया है वो कितने ज्यादा गुनहगार थे इस पूरे मामले के पेपर लीक के और कितने पेपर उन्होंने लीक कराए,
हालांकि जनश्रुति में कुछ लोग इतना बड़ा दावा कर देते हैं अतिरेक में कि कुछ जिलों में तो कोई सा भी पेपर हो भर्ती परीक्षा राजस्थान की, वो पेपर मुहैया करा सकते हैं। इन तरह के दावों में दम नहीं लगता, लेकिन जब ये बात अतिरेक में की जाती है तो ऐसा लगता है कि अगर इतना दावा किया जा रहा है मजबूती से तो कुछ ना कुछ हो सकता है, और कुछ ना कुछ दाल में काला हो सकता है। और ये जिस तरह से चंद पैसों के लिए ये देखा जाता है कि ये युवाओं के साथ, छात्रों छात्र छात्राओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं, तो देखिए इन पर भी किस तरह से इनाम घोषित हो जाता है उसके बाद, क्योंकि ये आरोपी संदिग्ध घेरे में होते। तमाम जानकारी साझा करने के लिए विनय और शशि मोहन शर्मा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।